हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ OB32 अपडेट की एक और नई वीडियो, यानी कि एडवांस सर्वर फुल डिटेल्स का पार्ट 4। और इसमें हम बात करेंगे कुछ और नए अपडेट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ कोलैबोरेशन की। तो फ्री फायर के 2 अपकमिंग कोलैबोरेशन हो सकते हैं, मतलब कि इनकी प्रिडिक्शन की जा रही है, फिर रूमर्स निकल के आ रहे हैं। कन्फर्म तो नहीं हुआ है फ्री फायर की तरफ से, लेकिन डाटा माइनर की तरफ से रूमर्स आ रहे हैं कि फ्री फायर का कोलैबोरेशन हो सकता है असेंशन क्रिएट के साथ में। एक ये वीडियो गेम है, उसी के साथ में एक और कोलैबोरेशन हो सकता है, ये होगा ड्रैगन बाल जेड के साथ में, ये भी वीडियो गेम है। तो इन दोनों के साथ में कोलैबोरेशन हो सकता है, ऐसे रूमर्स और लीक्स हमको मिल रही है। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो बना रखी है एडवांस सर्वर के ऊपर, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो देख लेना, क्योंकि वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या नया आने वाला है, सब कुछ मैं धीरे धीरे करके कवर करता जा रहा हूँ। हो सकता है कि लास्ट वीडियो भी हो, बाकी अपडेट्स लगभग खत्म होने आ गए हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये अपडेट्स तो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद बचेगा हमारा मेन वेपन बैलेंसिंग, और उसके बाद में कैरेक्टर की एबिलिटी में क्या चेंज होगा, तो वो तो अभी पता नहीं चला। जैसे ही पता चलेगा उसके ऊपर भी मैं तुरंत वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट लाइट पास की थीम की अगर बात करें तो मार्च के लाइट पास की थीम होगी कॉपर प्रोड्यूस पे, और अप्रैल के लाइट पास की थीम होगी स्क्रॉल ऑफ अजूरे की थीम पे। तो सुनने में तो काफी अच्छी थीम लग रही है। अब देखने वाली बात होगी कि फ्री फायर वाले इनके बैनर किस तरीके से डिजाइन करते हैं, लेकिन ये लाइट पास इसी थीम पे होने वाला, इनका नाम यही होने वाला है। काफी ओपी नाम लग रहा है। बंडल्स का रिव्यू जिसे मिलेगा वो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। गेम के अंदर 2 नए मोड आने वाले, जिसमें से पहला है पेट लूडो, और इसका रिव्यू मैंने अपने सेकंड चैनल पे पहले ही अपलोड करके रख दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो सेकंड चैनल पे विजिट करके पेट लूडो का आप गेम प्ले देख सकते हो। इसमें कोई खास बड़ा चेंज नहीं है, लूडो की तरह ही सेम है, इसमें सिर्फ हमारे पेट को ऐड कर दिया, बाकी उसमें कोई खास आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा हमारा मोड है लोन वुल्फ स्ट्राइक आउट, तो ये भी लगभग क्लैश कोड में एक आया हुआ था, जिसमें सेम लगभग ऐसा ही है ये भी। यहाँ पे होता क्या है, आपकी एक एक टीम खेलती है, एक टीम वेट करती है, 2 टीम लड़ती है, और ऐसे कर करके 2 टीम फाइनल में पहुँचती है और जो जीतती है वो विनर हो जाती है। एक छोटा सा टूर्नामेंट टाइप से होता है। तो ये मोड को लोन वुल्फ स्ट्राइक आउट में भी ऐड कर दिया है, पहले सिर्फ क्लैश कोड में था। तो ये कुछ ही टाइम के लिए लिमिटेड टाइम के लिए मोड रहने वाला है। क्राफ्टलैंड का जो क्रिएटिव मोड है, वहाँ पे आपको और नए नए आइटम्स ऐड हो गए हैं, तो वहाँ पे आप नए नए आइटम्स को ऐड करके उसको क्रिएटिव और बना सकते हो अलग अलग तरीके से। जैसे पहले सिर्फ घर, फेंसिंग और यही चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे आपको बड़ी टाइप से मशरूम और दूसरी भी काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो ये सभी चीज़ें हमारे क्राफ्टलून के क्रिएटिव मोड में हो जाएगी, जो कि हमारे पेट मानने वाले मोड में थी वो चीज़ें भी यहाँ पे ऐड कर दी गई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे क्राफ्टलून के क्रिएटिव मोड में ऐड होने वाली है। इसके अलावा मैं आपको मैप में चेंजेस दिखा देता हूँ। क्वातुलुस्वा में चेंजेस हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो घरों की जो पोजीशन थी वो चेंज कर दी गई। एल शेप आगे था, उसको बीच में कर दिया, मतलब कि काफ़ी सारे घरों की पोजीशन को थोड़ा अलग अलग कर दिया है। और कुछ टावर्स भी थे हमारे बरमूडा में, वो टावर्स को रिमूव कर दिया। जैसे कि पीक के साइड में नीचे की साइड में एक टावर था जहाँ पर हमारी वेंडिंग मशीन रखी थी, वो टावर भी रिमूव कर दिया। मतलब कि बहुत सारे जो टावर्स थे बड़े बड़े, वो टावर्स को रिमूव कर दिया। फ्री फायर ने ऐसा क्यों किया, टावर्स को रिमूव क्यों किया वो मुझे नहीं पता। काफ़ी जगह पे टावर्स थे, उन टावर्स को लगभग हटा दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारे ब्रिज वगैरह थे, यहाँ पे इनको थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है। अब ये सबसे पहले वाला ब्रिज जो हमारे मिल के साइड में आपको दिखता है, ये वाला ब्रिज थोड़ा सा हमारा अलग चेंज कर दिया है। ये हमारा बरमूडा रीमास्टर की तरह दिखता है, सेम वैसा ही जैसा हमारा बरमूडा रीमास्टर में होता है, तो उसी तरीके का ये प्लेस हमारे बरमूडा में भी आने वाला है। और इसके अलावा जो नीचे वाला ब्रिज था वो भी हल्का सा चेंज कर दिया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो नीचे की साइड में आपको ब्रिज दिखता था वो भी हल्का सा चेंज कर दिया है। और यहाँ पे जो टावर्स होते थे, मैं उन्हीं टावर्स की बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे हमको टावर्स देखने को नहीं मिल रहे। ये टावर यहाँ पे होता था, उसके अंदर वेंडिंग मशीन रखी होती थी, लेकिन यहाँ पे वो टावर को रिमूव करके वेंडिंग मशीन को उस घर के अंदर डाल दिया है। वो टावर सेम टावर यहीं पर भी होता था, यहाँ पे देख सकते हो वो टावर आपको नहीं दिख रहा है। मतलब कि वो टावर जहाँ जहाँ पर भी था वहाँ सभी जगह से उस टावर को रिमूव कर दिया है। यहाँ पर भी वो टावर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर भी हमको देखने को नहीं मिला। पता नहीं ये हमारे मेन सर्वर में आएगा नहीं आएगा, लेकिन एडवांस सर्वर में इसको रिमूव कर दिया। बाकी के चेंजेस आप देख सकते हो, हैंगर पे कितने सारे चेंजेस हुए, यहाँ पे गाड़ी वगैरह रख दिए, काफ़ी सारा कवर्स कर दिया है। और इसके अलावा भी आप देख सकते हो मार्श इलेक्ट्रिक पे भी चेंजेस हुए, बॉक्सेस के बक्से रख दिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और कंटेनर भी रख दिए साइड में। तो ये सभी चेंजेस मैप के अंदर हुए हैं, और किसी जगह पे तो खास चेंजेस देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं, जो कि प्लेसेस या मैप जो हमारे घर से रहते हैं उनको पोजिशन को थोड़ा आगे पीछे कर दिया, कंटेनर वगैरह ऐड कर दिए, और कुछ चीज़ों को हटा दिया, जैसे कि टावर्स के मेरा आपको पहले बता दिया। तो ये चीज़ें ऐड हुई है और कुछ चीज़ें हटी भी है बरमूडा के अंदर। ट्रेनिंग ग्राउंड में इस बार कोई खास बड़ा चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक छोटा सा चेंज हुआ है। अगर ट्रेनिंग ग्राउंड में कोई ज़्यादा किल करता है तो उसके ऊपर एक स्पेशल मार्क बना हुआ आ जाएगा, जिससे कि आप पहचान पाओगे कि इसके किल ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर सबसे ज़्यादा किल है अभी फिलहाल के टाइम पर। तो उसको आप टारगेट करके मार भी सकते हो, काफ़ी सारे बंदा यही करने वाले, जिसके ज़्यादा किल होंगे उसी के पीछे पड़ जाएंगे। तो ये चीज़ ट्रेनिंग ग्राउंड में एक नहीं है, इसके अलावा तो और कुछ भी नया देखने को नहीं मिला है। और एडवांस के अंदर सिर्फ एक इमोट के एनिमेशन में भी हल्का सा चेंज हुआ है, आप देख सकते हो बाकी के इमोट तो यहाँ पे दिख भी नहीं रहे। तो इस एक इमोट के एनिमेशन में आपको हल्का सा चेंज देखने को मिलेगा, जो कि मतलब बिल्कुल ही नया और काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब लड़की वाला लगता है पूरा का पूरा। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना।